कबीर पिछले पाप ते हरि चर्चा ना सुहावे, कहूंगा कह उठ चले ना और बात चलावे। और तुलसी साहब जी कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेग ते भूख विदा हो जावे। जैसे किसी व्यक्ति को बुखार हो गया, मलेरिया हो गया, तो उसको रोटी भी कड़वी लागे, हलवा भी कड़वा लागे, खीर दलिया भी कड़वा लागे, काजू सेब संतरे या मनुखा दाख भी कड़वी लागे। अब ये पदार्थ कड़वे नहीं, उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था को इतना बिगाड़ दिया कि उसको मीठे पदार्थ भी कड़वे महसूस हो रहे हैं। इसी प्रकार जिनके ऊपर पाप कर्मों का दबाव घना है, जिनकी आत्मा पर, उनको ये राम नाम की मनुखा दाख भी सुहाती नहीं, कड़वी लग गए। उसका फिर विकल्प क्या है, उसका उपचार क्या है? जैसे बुखार के कारण, जबर के कारण वो कड़वापन आ गया शरीर में, तो उसके लिए कड़वी टेबलेटें खानी पड़ेंगी, कुनीन की, ना चाहते भी खानी पड़ेंगी, और फिर वो धीरे धीरे उस बुखार जोर को उतार देंगी, फिर वो पदार्थ फिर मीठे लगेंगे।